हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लेकर के है और एक्सेल में एक खास किस्म की ट्रिक सिखाऊंगा। और यहाँ पर ट्रिक क्या है आइए देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं कुछ नंबर्स लिखे हुए, अब ये नंबर और ज्यादा भी हो सकते हैं। होता ये है कि हम को जब हाइड करना होता है किसी भी रो को, तो अब क्या करते हैं उस रो को सेलेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए इन दोनों को हाइड करना है, तो आप कंट्रोल के साथ 9 प्रेस करते हैं, यानी अल्फा न्यूमेरिक की 9, और ये हाइड हो गया। अब अगर आप यहां पर इनका प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं, प्रोडक्ट समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर ये हाइट नहीं हुआ होता तो ये इन सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर देता, यानी यहां पर इज इक्वल टू का निशान लगाइए, फिर इसको सेलेक्ट कीजिए, फिर मल्टीप्लाई कीजिए। अब ये मैनुअल मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूं, प्रोडक्ट भी यही काम करेगा। ठीक है, देखिए यहां पर ये फिर मल्टीप्लाई लगाया, फिर यहां पे गया इसको सेलेक्ट किया, फिर मल्टीप्लाई लगाया, फिर इसको सेलेक्ट किया और फिर लास्ट में इसको भी सेलेक्ट कर लिया। तो देखिए आंसर क्या आ रहा है आपका, यहां पे देखिएगा जरा, यह आंसर आ रहा है 1050। तो यही काम प्रोडक्ट भी करेगा। तो देखिए इज इक्वल टू PRODUCT प्रोडक्ट लगाया और इन सबको एक साथ सेलेक्ट करके और हमने एंटर किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1050 ही आ रहा है। लेकिन दिक्कत तो तब होगी जब हम इसे हाइड करेंगे। ठीक है, हाइड करेंगे तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए इन दोनों को हमने हाइड कर दिया, तो कंट्रोल के साथ 9 प्रेस किया अल्फा न्यूमेरिक की, तो देखिए अब तो ये हाइड हो गया। लेकिन अब अगर हम यहाँ पर प्रोडक्ट लगाते हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाते हैं, फंक्शन लगाते हैं प्रोडक्ट वाला, तो यहाँ पर इन तीनों को सेलेक्ट किया और अब एंटर किया, तो यहां पर 1050 आ रहा है। लेकिन हमने जो सेल्स हाइड की हैं उनका जो है प्रोडक्ट नहीं निकलना चाहिए, लेकिन यहां पे ये निकल रहा है। तो ऐसा कैसे होगा कि जिनको हाइड कर दिया उनका प्रोडक्ट ना निकले, तो उसके लिए आपको एक काम करना है। क्या काम करना है देखिए, जैसे मान लीजिए कि इज इक्वल टू का निशान तो लगाना ही है और यहां पर एक आपको फंक्शन मिलेगा एग्रीगेट का, तो एग्रीगेट लगा लीजिए। प्रोडक्ट के लिए हमें यहां पे 6 लिखना होता है, देखिए ना यहां पे 6 लिखा हुआ है प्रोडक्ट वाले में, तो इस पर डबल क्लिक करेंगे तो 6 अपने आप आ ही जाता है। इसके बाद क्या करना है आपको, कॉमा लगाना है और कॉमा लगा के क्या करना है, यहां पर देखिए लिखा हुआ है इग्नोर हिडन रोज, देख रहे हैं इग्नोर हिडन रोज आ रहा है, फिर यहां पे तमाम इस तरह की चीज आ रही है, तो इग्नोर हिडन रोज पे आपको करना है क्लिक। ठीक है, तो यहां पे 5 आ जाता है। अब क्या करना है, अब आपको अब इन सारे नंबर्स को कॉमा देके सेलेक्ट कीजिए, इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया, अब ब्रैकेट को क्लोज कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। तो यहां पे देखिए 5 3 कितना होता है 15 होता है और 15 5 कितना होता है 75, तो यहां पे सिर्फ 75 आ रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए ये कंट्रोल जो है यहां पर जो हाइड है उसको मैं अनहाइड कर देता हूं, अगर मान लीजिए अनहाइड कर देता हूं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये इतना हो और अब अगर वो फॉर्मूला लगा दिया जाए, जैसे एग्रीगेट का लगाया था हमने, तो ये एग्रीगेट लगाया और एग्रीगेट लगा करके हमें क्या करना है, प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर डबल क्लिक किया, फिर कॉमा लगाया हमने, फिर क्या करना है हमें, जैसे ही करेंगे तो फिर यहाँ पे 5 हिडन रोज करना है, तो हिडन तो है नहीं कोई, तो यहाँ पर ये टोटल जो है यानी 1050 जो आ रहा था वही आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए इनमें से कोई 2 हाइड कर दिया, ये एक ही हाइड किया, ठीक है, यहाँ से हाइड पर क्लिक करता हूँ तो ये हाइड हो गया, तो उसी के हिसाब से ये रिजल्ट भी चेंज होता रहेगा। तो है ना एग्रीगेट फंक्शन काम का, तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर कीजिएगा और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको जरूरत कहीं पड़ती है तो। ठीक है, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।